नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, मगर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये फैसला अफ्रीकी टीम के हित में गिरा है, क्योंकि भारतीय टीम संघर्ष करती दिखाई दे रही है। भारत ने पहले सत्र में ही लंच से पहले दोनों सलामी बल्लेबाजों को गवा दिया है। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे केएल राहुल और मयंक अग्रवाल दोनों ही बल्लेबाज आज सस्ते में अपना विकेट गवाकर पवेलियन लौट गए। भारत को आज पहला झटका केएल राहुल के रूप में लगा, जो 12 रन बनाकर ओलिवियर का शिकार हो गए। राहुल ने पिछले दोनों टेस्ट मैचों की पहली पारी में 50 से ज्यादा का स्कोर लगाया था, मगर आज राहुल सस्ते में अपना विकेट गवा बैठे। उनके अलावा एक बार फिर मयंक अग्रवाल मैदान पर संघर्ष करते दिखाई दिए। अगर सेंचुरियन टेस्ट की पहली पारी छोड़ दी जाए तो मयंक इस पूरी ही श्रृंखला में अभी तक संघर्ष करते दिखाई दिए हैं। आज रबाडा ने मयंक अग्रवाल का विकेट निकालते हुए भारत को एक के बाद एक बड़ा झटका दिया। आपको बता दें कि इस सलामी साझेदारी ने भारत के लिए सेंचुरियन में पहले टेस्ट के दौरान पहली पारी में 117 रनों की साझेदारी लगा कर दी थी, लेकिन उसके बाद भारत को पहली विकेट के लिए अभी तक एक भी अच्छी साझेदारी देखने को नहीं मिली है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।